रॉयल क्रिकेट क्लब के तत्वाधान में आयोजित अंतर राज्य स्तरीय क्रिकेट टूर्नामेंट का खिताब हरदा की टीम ने गुजरात को हराकर अपने नाम किया। कृषि मंत्री कमल पटेल और स्थानीय विधायक आशीष शर्मा ने विजेता टीम को 51,000 रुपए की नगद राशि से पुरस्कृत किया। खातेगांव में संपन्न हुई क्रिकेट स्पर्धा में प्रदेश के अलावा अन्य राज्यों से भी क्रिकेट टीमों ने भाग लिया। फाइनल मुकाबला हरदा और गुजरात के बीच हुआ, जिसमें हरदा की टीम ने जीत दर्ज कर ट्रॉफी अपने नाम की। मैच में गुजरात की आई टीम उपविजेता रही। हरदा की टीम को फाइनल में जीत पर 51,000 रुपए की नगद राशि पुरस्कार स्वरूप दी गई। फाइनल मैच में प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल, खातेगांव विधानसभा के विधायक आशीष शर्मा खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करने स्टेडियम पहुंचे। इस अवसर पर मंत्री कमल पटेल ने खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कहा, असफलता हमें यह दर्शाती है कि हमने ईमानदारी से प्रयास नहीं किया है, इसी के कारण हमें असफलता प्राप्त होती है, पर आने वाले समय में लगन से ईमानदारी से मेहनत करेंगे तो यह निश्चित ही सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने विजेता व उपविजेता टीम के साथ आयोजकों को भी बधाई दी। जो विजेता बने उनको बहुत बधाई, जो जीत नहीं पाए उनको भी शुभकामनाएं। असफलता यह दर्शाती है कि सफलता के लिए हमने पूरा प्रयास किया। अगर ईमानदारी से सफलता के लिए प्रयास किए जाए तो सफलता हमारे चरण छूती है, और इसलिए जिन्होंने मेहनत की वो विजयी हुए, जिनमें कुछ कसर रह गई वो विजयी नहीं हो पाए। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।